Hello student good morning to all of you today I have come with my sixteenth lecture video uh, which is related to g k uh, in this video class we learn about um, computers uh, computer related questions you have to give him ten questions. एंड टेन ऑप्शंस आपको क्वेश्चन पढ़ना है और वो सभी क्वेश्चन जो हैं वह कंप्यूटर से रिलेटेड uh, क्वेश्चन है उसको उसके लिए आपको टेन ऑप्शन भी दिए गए हैं जिसको आप देख करके और पढ़ोगे और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ से ऑप्शन देख करके आंसर भर दोगे आपको मैं कंप्यूटर भी पढ़ा रहा हूँ तो कंप्यूटर में आपको पढ़ने से उ, उसके, उसकी सहायता से आपको यहाँ पे बहुत हेल्प मिलेगा उसको पढ़ने से और इसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसको हमने अभी आपको नहीं पढ़ाया है जो हम आगे के क्लास में आपको पढ़ाएंगे जहाँ पर इन सभी के बारे में आप डीप डीपली नॉलेज प्राप्त कर सकेंगे अभी यहाँ भी मैं आपको बता दूँगा फिलहाल लेकिन इस इन सभी के बारे में कुछ डिटेल्स आपको जब चैप्टर आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ तो उसमें सब आपको मिलेगा वहाँ पे आपको डिटेल्स में बता दूँगा ठीक है उसके लिए जो वीडियो डालेंगे कंप्यूटर में जो हम आपको वीडियो वीडियो पढ़ा रहे हैं उस पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सभी क्वेश्चन वहाँ पे आपको आम, बनाने में बहुत सुविधा होगी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द डैश हेल्प्स अस टू टाइप वर्ड्स एंड नंबर्स ऑन द कंप्यूटर कहा जा रहा है कि हमारा कौन ऐसा चीज़ है इसमें से ठीक है जो हमें आम, कंप्यूटर पर टाइप करने में हमारी सहायता करता है तो वो है हमारा कीबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम में एक कीबोर्ड पार्ट्स होता है जिसकी सहायता से हम कोई भी वर्ड टाइप कर पाते हैं या कोई भी लेटर टाइप कर पाते हैं ठीक है सेकेंड नंबर हमारा है द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज़ द स्पेस बार की होगा ठीक है कहा जा रहा है कीबोर्ड पर जो सबसे बड़ा की होता है उसे क्या कहते हैं स्पेस बार की कहते हैं अगर आपके घर में कंप्यूटर सिस्टम है तो वहाँ पे आप कीबोर्ड पर देखेंगे जो सबसे बड़ा कीज कीज बटन होता है उसको स्पेस बार की कहा जाता है ठीक है तो यहाँ पे आप सेकंड नंबर में स्पेस बार की भर लोगे यहाँ पे लिखा हुआ है यहीं से देख के आप स्पेलिंग लिख लोगे स्पेस बार की ओके क्वेश्चन नंबर थ्री एम एस ऑफिस ए डैश दिया हुआ है ना तो एम एस ऑफिस क्या है एक सॉफ्टवेयर है क्या है यहाँ सॉफ्टवेयर है ठीक है एम एस ऑफिस के बारे में अभी आपको मैंने कंप्यूटर में नहीं पढ़ाया है लेकिन आगे मैं आपको उसके बारे में पढ़ाऊँगा डिटेल्स आपको पता चल जाएगा कि एम एस ऑफिस क्या है तो अभी आपको बता दूँ कि वह एक सॉफ्टवेयर है ठीक है आप इतना ही अभी यहाँ भर लो कि यह है एक सॉफ्टवेयर है ठीक है यहाँ पे है सॉफ्टवेयर उसको यहाँ पे लिख लो सॉफ्टवेयर थ्री नंबर का सॉफ्टवेयर हो जाएगा फोर नंबर देखो द साइन एट इसको एट द रेट इज यूज़ टू डैश ई मेल एड्रेस यह जो सिम्बॉल देख रहे हो इसको हम ई मेल एड्रेस जब बनाते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है तो जब मैं आपको इंटरनेट पढ़ाऊँगा जो आपके बुक में लास्ट में चैप्टर है इंटरनेट कंप्यूटर बुक में जो लास्ट में है इंटरनेट उसको जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको इसके बारे में बताऊँगा कि ई मेल एड्रेस में इसका यूज किया जाता है ठीक है और उसके बाद चैप्टर नंबर फाइव टू सेलेक्ट ए पार्टिकुलर वर्ड डैश ऑन इट कहा जा रहा है कि हमको कोई को कोई वर्ड को सिलेक्ट करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं डबल क्लिक करते हैं क्या करते हैं डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डबल क्लिक यहीं से देख करके आप यहाँ भर लो डबल क्लिक ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो टू कॉपी एनी टेक्स्ट प्रेस अगर आपको कोई भी चीज़ को कॉपी करना है तो आप कीबोर्ड पर कौन सा बटन दबाओगे तो हो जाएगा तो वो है हमारा कंट्रोल प्लस सी वो लिखा होता है कीबोर्ड पर जिस तरह से ए बी सी डी टाइप करने वाला कीज होता है उसी तरह से कंट्रोल प्लस सी ये अलग सी तो होता ही है और कंट्रोल भी लिखा रहता है उन दोनों के एक साथ जब दबाया जाता है तो यह कॉपी करने का कार्य होता है यह कीबोर्ड पर होता है ठीक है तो कंट्रोल प्लस सी इसको हम बोलते हैं यहाँ पे भर लो कंट्रोल प्लस सी सी टी आर एल प्लस सी भर लो यहाँ लिखा भी गया है यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेवन टू मेक ड्राॅइंग्स ऑन योर कंप्यूटर यू विल यूज़ एम एस पेंट कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम पे अगर आपको ड्राॅइंग करना है तो आपको क्या करना होगा उसके लिए आपको एम एस पेंट का यूज़ करना पड़ेगा एम एस पेंट में जब जाओगे एम एस पेंट क्या है एक सॉफ्टवेयर है इसमें जब जाओगे तो आप किसी भी तरह का ड्राइंग वहाँ से कर सकते हो वहाँ पर सब चीज़ आपको मिल जाएगा वहाँ पर सभी टूल्स मिल जाएंगे सभी कलर मिल जाएंगे तो उस तरह से आपको ड्राइंग करने में आपको सहायता मिलेगा वो कौन सा चीज़ है उसका नाम है एम एस पेंट क्या नाम है उसका एम एस पेंट इसको फुल फॉर्म में माइक्रोसॉफ्ट पेंट कहा जाता है ठीक है उसके बाद हम एट नंबर देखेंगे एट नंबर में है ए प्रिंटर ए डैश जनरेट्स द हार्ड कॉपी ऑफ द डाटा मैंने आपको चैप्टर पढ़ा रहा था फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर में तो वहाँ पे आपको मैंने बताया था इसके बारे में कि ए प्रिंटर जो होता है ठीक है वह हमें जो हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं उसको हमें वह पेपर पर वहाँ से प्रिंट निकाल लेते हैं पेपर पर लिखा हुआ जो हम निकालते हैं पेपर पर लिखा हुआ प्रिंटर के द्वारा उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट हार्ड कॉपी कहा जाता है ठीक है वह हार्ड कॉपी हमें कौन देता है कौन कहाँ से मिलता है हमको वह हमें प्रिंटर देता है कौन देता है प्रिंटर प्रिंटर की सहायता से हम जो भी कंप्यूटर पर वर्क करते हैं उसको हम पेपर पर लिखा हुआ निकालते हैं जिसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं ठीक है और जब वो मोनीटर पर दिखता है हमें लिखा हुआ तो उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं लेकिन जब प्रिंटर के माध्यम से हम उसको पेपर पर लिखा हुआ प्रिंट कर लेते हैं तो उसी को हार्ड कॉपी कहा जाता है ठीक है तो वह काम किसके द्वारा होता है प्रिंटर के द्वारा होता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा प्रिंटर हो जाएगा ठीक है और चैप क्वेश्चन नंबर नाइन ए डैश इज ब्लिंकिंग लाइन ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन कहा जा रहा है कि जब आप टाइप करते हो वो आपको एम एस वर्ड जब मैं आपको अभी सेकेंड चैप्टर सेकेंड नहीं आगे मैं पढ़ाऊँगा एम एस वर्ड के बारे में ठीक है तो एम एस वर्ड में आपको मिलेगा कि जब आप टाइप करते हो तो एक लाइन जो है हमेशा आगे आ, ब्लिंकिंग होता रहता है जैसे आप मोबाइल फोन है इसमें जब आप किसी का नाम सेव करते हो ठीक है तो एक लाइन देखते हो ब्लिंकिंग होता रहता है ठीक है उसी को कर्सर कहा जाता है उसको क्या कहते हैं हम कर्सर बोलते हैं ठीक है ए कर्सर इज द ब्लिंकिंग लाइन ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम कर्सर जो होता है वह ब्लिंकिंग होता रहता है सिस्टम पे जब आप कोई भी चीज़ टाइप करते हो तो एक लाइन हमेशा आगे बढ़ता रहता है उसी को कर्सर कहा जाता है और टेन नंबर है टाइम्स न्यू रोमन इज द नेम ऑफ फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन इज द नेम ऑफ फ़ॉन्ट ठीक है इस तरह से हमारा ये लास्ट का हो आंसर हो गया फॉन्ट इस तरह से हमारा चैप्टर क्या हो गया कंप्लीट हो गया इसके पहले हमने जो भी चैप्टर आपको पढ़ाए हैं उसको आप चैप्टर वाइज और लेक्चर नंबर वाइज जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आप ज़रूर नोट करो फेयर कॉपी में और उसे याद करते चलो इन्हीं सभी से क्वेश्चन आपको यूनिट के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे अगर आप ये कंप्लीट नहीं कर पाते हो याद नहीं कर पाते हो तो फिर आपको एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त नहीं होंगे ठीक है तो जो भी चैप्टर पढ़ाया जाता है उसको लेक्चर नंबर वाइज और चैप्टर वाइज ज़रूर नोट करो और उसे याद करते चलो अभी तक हमने इसमें चैप्टर वन से लेकर और ट्वेल्व तक हमने कंप्लीट कर दिया है तो इन सभी चैप्टर को चैप्टर वाइज आप फेयर कॉपी में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें है उसको नोट करो और याद करते चलो और चैप्टर ट्वेल्व जो है इसमें सभी क्वेश्चन को आप फेयर कॉपी में लिखो लेक्चर नंबर सिक्सटीन लिखो उसके बाद चैप्टर ट्वेल्व लिखो उसके बाद आज का इसमें डेट डाल दो आज डेट है थर्टीन एट टू थाउजेंड ट्वेंटी ठीक है ये आज का डेट है इसको डेट भी नोट कर दो ठीक है और उसके बाद चैप्टर नंबर लिख करके और लेक्चर नंबर लिख के इसको फेयर कॉपी में पूरा को नोट करो और उसके बाद में याद करो ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे थैंक यू ए नाइस डे